अस्सलाम वालेकुम टेन क्लास, हमारा बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 36 है। आज हम स्टडी करेंगे मसल्स एंड मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट में मसल्स किस तरह हेल्प करते हैं। सब वी नो दैट व्हेन बोन्स मूव एट जॉइंट, हम देखते हैं कि जब जॉइंट्स जो होते हैं उसके ऊपर बोन्स मूव करती हैं। आपकी बॉडी की मूवमेंट्स वहीं पे होती हैं जहाँ पे क्या हो, जॉइंट्स हो, ठीक है। आप वहीं पे आर्म या लेग्स वगैरह को बेंड कर सकते हैं, अपनी मूवमेंट कर सकते हैं जहाँ पे जॉइंट्स हो। दे प्रोड्यूस मूवमेंट्स, जहाँ पे जॉइंट्स मूव कर सकेंगे, बोन्स मूव करेंगी, तभी आपकी बॉडी में मूवमेंट प्रोड्यूस होंगी। द मूवमेंट्स इन बोन्स आर ब्रॉट अबाउट बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटन मसल्स। बोन्स मूव करेंगे जॉइंट वाले पोर्शन पे जहाँ पे जॉइंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये जॉइंट है तो ये आपकी मूवमेंट अगर हो रही है आर्म्स की, तो इन जॉइंट्स के ऊपर होगी। अब ये जॉइंट कैसे मूव करेंगे, इन जॉइंट को मूवमेंट के लिए हेल्प कौन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, यानी कि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये जॉइंट क्या करेगा, मूव। ओके, विच आर अटैच विद देम बाय टेंडन, ठीक है। मसल्स बोन के साथ अटैच किससे होते हैं, टेंडन से। तो कह रहे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से बोन मूव करेगी, उस बोन के मूव करने से आपकी बॉडी में मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। द रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स इज एज फॉलो, स्केलेटल मसल्स हेल्प करेंगे आपको आपकी बॉडी को मूव करने के लिए। वन एंड ऑफ द स्केलेटल मसल्स इज ऑलवेज अटैच विद सम इमूवेबल बोन। अच्छा, ये डेफिनेशन आती होती है बोन में, ओरिजिन क्या है, इंसर्शन क्या है, MCUs भी आ जाते हैं और एज अ डेफिनेशन भी वो आपसे पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले ओरिजिन, अब आपके पास जो स्केलेटल मसल्स हैं ये इसके दो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होते हैं, ठीक है। दो जगह से ये अटैच होते हैं, ये देखिए, जैसे एक ये अटैच है और एक इधर से अटैच है। अब ये जो नीचे वाली बोन है आपकी आर्म की, ये क्या है, मूवेबल। ओके, ये मूवेबल है, ठीक है, ये बैंड हो रही, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी इस तरह, ये मूवेबल है। लेकिन अब दूसरा पॉइंट जो है इसका, ये इमूवेबल है। अब स्केलेटल मसल्स इस बोन के साथ जो अटैच हुआ है, अब ये बोन यहाँ से मूव तो नहीं ना कर रही क्योंकि यहाँ पे जॉइंट नहीं है। तो स्केलेटल, वन एंड ऑफ द स्केलेटल मसल इज अटैच टू सम इमूवेबल बोन। वो इमूवेबल बोन यानी कि ऐसी बोन जो मूव नहीं कर रही, उसके साथ अटैच होगा, तो उस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, ओरिजिन। ओके, दोबारा स्टडी कर लेते हैं। वन एंड ऑफ अ स्केलेटल मसल्स इज ऑलवेज अटैच विथ सम इमूवेबल बोन, ठीक है, इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है स्केलेटल मसल्स। दिस एंड ऑफ द मसल इज कॉल्ड द ओरिजिन, ठीक है। उस ओरिजिन का ये दो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ना, एक ये वाला और एक यहाँ से अटैच हो गए मसल्स। तो जो इमूवेबल मसल्स अटैच होंगे इमूवेबल पॉइंट से, उसे हम कहेंगे ओरिजिन। जो मूवेबल पॉइंट्स पे अटैच होंगे उसे क्या कहेंगे, इंसर्शन। दोबारा सुन लें, मसल्स मूवेबल पॉइंट पे अगर अटैच हो, मूवेबल बोन के साथ अटैच हो, तो उसे हम कहेंगे इंसर्शन। अगर इमूवेबल बोन के साथ अटैच हो, उसे हम कहेंगे ओरिजिन। अदर एंड ऑफ द मसल्स इज अटैच विद द मूवेबल बोन एंड इज कॉल्ड द इंसर्शन। व्हेन अ मसल इज स्टिमुलेटेड बाय नर्व इम्पल्स, इट कॉन्ट्रैक्ट टू बिकम शॉर्टर एंड थिकर। ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन इट पुल्स द मूवेबल बोन एट इंसर्शन। क्या कह रहे हैं, जब मसल्स स्टिमुलेट होंगे बाय नर्व इम्पल्स, आपको पता है स्टिमुलेट होता है कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए, आपको जो इनिशियल इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसे स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। अब आप अपनी आर्म को बेंड करवाना चाहते हैं, ठीक है, आर्म आपकी स्ट्रेट है, आप उसको बेंड करना चाहते हैं, तो आप पहले आपके मसल्स को क्या जाएंगे, स्टिमुलस जाएंगे। वो स्टिमुलस क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे टू बिकम शॉर्टर एंड थिकर। वो मसल्स को क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे और थिक हो जाएंगे, ठीक है। ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने से वो क्या हुए, शॉर्ट हो गए हैं और थिक हो गए हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर ये आपके पास मसल है, अगर ये शॉर्ट होगा, शॉर्ट होने से ये इस तरह पास आएंगे, जब वो पास आ जाएंगे तो ये वाली जो इमूवेबल बोन है उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, अपनी तरफ खींच लेगा, उसे पुल कर लेगा, ठीक है। जो मूवेबल बोन है उसको अपनी तरफ पुल करके उसको बेंड कर देगा, जैसे ये लिखा हुआ है, ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन इट पुल्स द मूवेबल बोन, ठीक है। वो मूवेबल बोन को पुल करेगा कैसे, एट इंसर्शन पॉइंट पे, ठीक है। मूवेबल बोन के साथ मसल का इंसर्शन पॉइंट जुड़ा हुआ होता है ना, तो
तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक्चुअली में मूवेबल बोन को पुल करेगा. नेक्स्ट के स्केलेटल मसल्स आर यूजली इन पेयर्स ऑफ एंटागोनिस्ट. एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है ऑपोजिट, एक दूसरे के मुखालिफ काम करना. ठीक है, एंटागोनिस्ट मतलब मुखालिफ काम करना, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करना. तो पहली बात वो कह रहे हैं स्केलेटल मसल्स किस फॉर्म में होते हैं, पेयर फॉर्म में होते हैं. ओके, स्केलेटल मसल्स किस फॉर्म में होते हैं, पेयर फॉर्म में, और ये पेयर एंटागोनिस्ट के तौर पे काम करता है. एंटागोनिस्ट मतलब ये दोनों पेयर्स एक दूसरे के ऑपोजिट काम करेंगे. अब नेक्स्ट पेज में ये देखिए एग्जाम्पल दी हुई है, मैं आपको समझाने देती हूँ. ये देखें एक मसल्स ये हैं जो आपके फ्रंट साइड पर अटैच है और ये आर्म के जो बैक साइड नीचे की तरफ अटैच है. ठीक है, तो ये दोनों पेयर हैं. ठीक है, एंटागोनिस्ट के तौर पे काम करेंगे. एंटागोनिस्ट मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट काम करेंगे. अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरे वाला क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा. जिस टाइम दूसरे वाला रिलैक्स था, पहले वाला क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट. अब जो कॉन्ट्रैक्ट था उसने क्या होना, रिलैक्स, और दूसरे वाला क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक रिलैक्स स्टेट में जाएगा, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये एंटागोनिस्ट है, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क कर रहे हैं. अगेन अब इसे स्टडी कर लेते हैं. इन एन एंटागोनिस्टिक पेयर, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता था बोर्ड में बहुत ज़्यादा, इसको हमने अच्छे से याद करना है. इसे स्टॉर हम बना देते हैं ताकि पता चले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बोथ मसल्स डू ऑपोजिट जॉब, दोनों ऑपोजिट काम करती हैं. व्हेन वन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंने आपको समझा दिया हुआ, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा द अदर मसल्स रिलैक्स, अदर मसल दूसरा मसल रिलैक्स होगा, एंड दिस फिनोमेना इज नाउन एज एंटागोनिज्म. ठीक है, एंटागोनिज्म क्या होगा, व्हेन वन मसल्स इज कॉन्ट्रैक्ट द अदर मसल्स इज रिलैक्स, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एंटागोनिज्म. व्हेन अ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड बेंड द जॉइंट, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो एक्चुअल में क्या करेगा, जॉइंट जो है उसको क्या करेगा, बेंड. मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो आपका जॉइंट है इसको बेंड करेगा. ठीक है, आपका बाकी जो आर्म है वो बेंड हो जाएगा, तो इसको आप क्या कहेंगे, फ्लेक्सर. जब आपका आर्म क्या हो रहा हो, बेंड हो रहा हो, और आप उस मसल्स क्या हो रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो उसे आप कहेंगे फ्लेक्सर मसल्स. ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा और आर्म क्या होगा, बेंड, उसे आप कहेंगे फ्लेक्सर मसल. फिर है फ्लेक्सर मसल एंड द मूवमेंट इज कास्ट फ्लेक्शन. व्हेन अ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेटन द जॉइंट, कह रहे हैं जब एक मसल्स क्या हो रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, लेकिन आपके जॉइंट को वो क्या कर रहा है, स्ट्रेट कर रहा है. पहले कॉन्ट्रैक्ट होके बेंड कर रहा था, अब कॉन्ट्रैक्ट होके स्ट्रेट, यानी कि उसको सीधा कर रहा है आर्म को. द जॉइंट इज नाउन एज एक्सटेंसर मसल, उसे आप एक्सटेंसर मसल कहेंगे, और इस मूवमेंट को क्या कहेंगे, एक्सटेंशन. ओके, नेक्स्ट आप नेक्स्ट लेक्चर में उसकी एग्जांपल अच्छे से स्टडी करेंगे. आज हमने क्या किया, आज हमने डेफिनेशंस की हैं, सबसे पहले मूवमेंट किस तरह होती है, फिर ओरिजिन क्या है, इंसर्शन क्या है, फिर एंटागोनिस्टिक वर्क क्या होता है, उसके बाद फ्लेक्सर मसल क्या होते हैं, एक्सटेंशन क्या होता है. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स.